हेलो गाइस, तो वेलकम बैक। आई थिंक थोड़ा सा क्लास लेने में थोड़ा डिले हुआ है। एक्चुअली मैं थोड़े दूसरे पर्सनल काम में थोड़ा बिजी था, सो दैट्स व्हाई डिले हो गया है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। तो आज का अपना जो सेशन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो है, ये हमारे अर्थमेटिक का मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इट्स मीन कि हमारे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है अप्रॉक्स 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ TSD से। समझ में आ रही है बात मेरी? इस बात को एकदम ध्यान रखना कि सिर्फ TSD से 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो क्लास, जो आप चैप्टर अभी जो पढ़ रहे हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लास्ट क्लास में हमने एवरेज करा था, रिप्लेसमेंट करा था, हमने वो क्लियर कर दिया। अब हमारा जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्लास के बीच में आज मैं आपको बताऊंगा के मैट। बहुतों को पता हो के मैट क्या होता है, के मैट एग्जामिनेशन, और बहुतों को नहीं पता हो के मैट क्या होता है। तो आज जो है के मैट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, ठीक है, क्लास के बीच में, ठीक है। पहले अभी जो है हम लोग आज का जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और लास्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे रखा था, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो मैं जो वो जो प्रीवियस क्वेश्चन जो था एवरेज एलिगेशन में हमने करवाया था रिप्लेसमेंट का, उसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, सॉरी आई मीन नेक्स्ट जो एवरेज एलिगेशन का जो टॉप 20 क्वेश्चंस होगा, आपने देखा होगा कि प्लेलिस्ट में आप जब जाओगे तो आपको टॉप 20 क्वेश्चंस मिलेंगे हर चैप्टर के। तो उसको जो है ना आप एकदम रिवीजन करो, क्योंकि वो जो है ना टॉप 20 जो क्वेश्चंस जो हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, ये एक्चुअल कैट क्वेश्चन है। इसको आप जो है ना, आप जितना भी क्वेश्चन मैंने टॉप 20 कराया है जितने भी चैप्टर का, उसको आपको करना होगा। आप कर लोगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको तरीका पता चलेगा, आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा, ठीक है। और लॉजिकली सबसे मेन जो हमारी क्लास का मुद्दा है कि लॉजिकली सोचने का जो है ना स्किल आपका डेवलप होगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना। तो अभी जो है अपन क्लास शुरू करते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो ऐसा सबका मानना है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है चैप्टर जो है वाकई में बहुत हार्ड होता है। तो एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं ना, मतलब आज से ये जो टाइम स्पीड है, इसके 5 to 4 to 5 और 6 इतने क्लासेस होंगे सिर्फ इसी के, क्योंकि ये पूरी डिटेल में आपको पढ़ना होगा। तो मैं हमेशा डिटेल में कोई भी क्वेश्चन या चैप्टर पढ़ाता हूँ, तो इस बात का ध्यान रखना कोई शॉर्टकट का यूज़ होता नहीं है, अनो ट्रिक, अनो फॉर्मूला। तो हम जो भी अभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करेंगे, नो फॉर्मूला यूज, ठीक है, अनो ट्रिक, लॉजिकली करना है, लॉजिकली सोचना है। इस बात को आपको पता ही है, जो पुराने स्टूडेंट होंगे या जो न्यू है वो आप देख लो। तो इससे पहले कि आपको लगे कि मैं बोर कर रहा हूँ, इससे पहले एक हम लोग पहले है TSD का एक जो है ना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कैट लेवल क्वेश्चन, कैट का ही क्वेश्चन है, एक्चुअल कैट क्वेश्चन है ये, उसको करते हैं। उसके बाद जो है ना हम थोड़ा सा क्या करेंगे,
बताओ क्या करेंगे। उसके बाद जो है हम थोड़ा सा जो है डिटेल के टीएसटी के डिटेल के बारे में समझेंगे, इसका बेसिक लेवल समझेंगे, उसके बाद बेसिक टू हाई चलेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा आपको जो है ना एक क्वेश्चन बनाता हूँ, बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं, और उसके बाद जो है ना हम लोग आगे का चैप्टर जो है कंटिन्यू करेंगे। तो ये टीएसडी का है, कैट का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही लॉजिकली आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, बस क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि ए और बी है, ठीक है, इनके बीच में ये है दूरिया है, ठीक है, दूरिया है। ए जो है, ए पॉइंट है, ए टू बी एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को हम ऐसे मान लेते हैं, जैसे ए एंड बी हैं, इनके बीच में एक डिस्टेंस है, ठीक है, ए एंड बी के बीच में जो डिस्टेंस है, बिटवीन डिस्टेंस है, डिस्टेंस पता नहीं कि कितना बीच का डिस्टेंस क्या है, ए एंड बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो पता नहीं, ठीक है। और कह रहा है क्वेश्चन, ऐसे कह रहा है कि उसमें कह रहा है कि ए पॉइंट से, ठीक है, सॉरी, मतलब यहाँ पे पॉइंट का नाम हम लोग कुछ भी रख लेते हैं, जैसे पी एन क्यू रख लेते हैं, देखिए पी एन क्यू उनका एक पॉइंट है, मतलब पी एन क्यू के बीच की पॉइंट है एक, जहाँ से ए और बी जो है उनके बीच का डिस्टेंस मुझे पता नहीं, मतलब पी एन क्यू के बीच की डिस्टेंस मुझे पता नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए जो है ना बी के साइड में, ठीक है, मतलब इसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में जो है ना 500 मीटर कवर करता है, ठीक है। बी जो है ना वो भी ए के डायरेक्शन में कितना मीटर कवर करता है पता नहीं, क्वेश्चन ये है, वी आर डोंट नो कि बी जो है वो ए के साइड में कितना मीटर का डिस्टेंस जो है कवर करता है, ठीक है। और ए का जो है बी के साइड में वो डिस्टेंस कवर करना है, वो है आपको 500 मीटर, ओके। फिर क्या हो रहा है कि ए जो है, इस बात को ध्यान रखना, कोई भी टीएसडी का क्वेश्चन करना तो आपको एक चीज रहना चाहिए हमेशा से, मैं कहता हूं हर क्वेश्चन में, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आप डायग्राम बनाना सीख लिए, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो टीएसडी आपके लिए कुछ नहीं है, वो कहते हैं ना हलवा है। तो जो भी लोग कहते हैं ना कि टीएसडी पे ज्यादा ध्यान दो बहुत हार्ड होता है, एक्चुअली में मैं ये आपको बता दे रहा हूं कि टीएसडी कुछ नहीं होता है। आप टीएसटी का अभी क्वेश्चन मेरी क्लास करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में टीएसटी में है ना, बस दिमाग लगाना रहता है, ठीक है। तो हम लोग लंबे लंबे फार्मूला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये वाला जो है ना, हम लोग कोई भी ये जो है ना फार्मूला का यूज़ नहीं करने वाले, बस लॉजिकली करना है, वही करना है जो कैट में आता है, ठीक है। हमें बड़ा एकदम ब्रिलियंट जो है ना मैथमेटिक्स का ये नहीं करना है कि हम लोग जो है ये फार्मूला ऐसे प्रूफ करो वैसे प्रूफ करने वाला करना है, क्योंकि वो मुझे आईएम से मतलब है भाई, ठीक है, चलो ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए जो है वो क्या कर रहा है कि पहले एक डिस्टेंस जा रहा है, बी के साइड में जा रहा है, फिर वहां से वो चेंज हो जा रहा है, मतलब ए इतना कवर कर रहा है, ए टू बी जा रहा है, मतलब पी टू क्यू जा रहा है, और फिर वहां से वो रिटर्न बैक हो जा रहा है, ठीक है। रिटर्न जब बैक हो रहा है तो वो 200 मीटर जब कवर किया रह रहा है, रिटर्न जब बैक हो रहा है तो वो जो है ना फिर से एक पॉइंट पे जो है, एक पॉइंट पे जो है ना वो मिलता है किससे, बी से, फिर बी जो है ना वहां से निकल रहा है और बी जो है ना रिटर्न हो जा रहा है, और वो फिर क्या है ना अपने जो डिस्टेंस है ना उस डिस्टेंस से बी निकल रहा है। मतलब कहने का मतलब कि ए पहले इधर जा रहा है बी के साइड में, ठीक है, और उसने कवर करा है 500 मीटर्स, ओके। बी ने भी ए के साइड में गया और बी का पता नहीं कि वो कितने मीटर कवर कर रहा है, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में ये हो रहा है कि ए जो है ना वो बी के साइड में जा रहा है, ठीक है, और वो क्या हो रहा है कि बी के साइड जाके और फिर वहां से रिटर्न हो जा रहा है, और जो नेक्स्ट पॉइंट जो है ना जहां पे ए और बी जो मिल रहे हैं वहां पे पता चल रहा है कि ए जो है ना एक डिस्टेंस कवर करके जब रिटर्न हुआ है तो 200 मीटर की दूरी पे है वो बी के पॉइंट से, ए 200 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। और सेम सिचुएशन यही हो रहा है कि जब ए जो है ना बी जो है ना ए के से साइड जा रहा है और वो जाके जब ए से मिल रहा है, देख पा रहे हैं ये,
ए से मिल रहा है, ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस है ना वो मुझे पता नहीं, ठीक है। मुझे निकालना ये है कि मुझे बस क्वेश्चन ये पता करना है कि पी टू क्यू डिस्टेंस कितना है, ठीक है, पी टू क्यू की इन दोनों की बीच की डिस्टेंस क्या है, मतलब ए एंड बी के बीच का जो दूरी जो है वो कितने मीटर की दूरी पे है, बस मुझे ये कवर करना है। अगर एज अ क्वेश्चन जो है ना, अगर आप बुकलेट में देखोगे, किसी चीज़ के बुकलेट में देखोगे, या फिर कहीं आपको कोई टीचर ने बताया होगा, ऐसे मैं किसी टीचर के बारे में ऐसे कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन फिर भी आपने वहाँ पे देखा होगा कि वो जो भी होता है ना, वो लोग बहुत लंबे लंबे फार्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत सारे फार्मूला का जो है यूज़ करते हैं। तो अभी जो है ना, आपको जो है ना लॉजिकली सोचना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, समझे। अभी थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है ना आपको बाउंस करेगा, क्योंकि आप में बहुत लोग जो है ना उनको टीएसडी जो है ना उसका जो है ना बेसिक लेवल पता नहीं है, तो वो मैं बताऊंगा। उससे पहले जो है ना, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे ए टू बी का, ठीक है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको पता लगानी है कि उनकी बीच की डिस्टेंस क्या है, मतलब पी टू क्यू की बीच की डिस्टेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, आपको लॉजिकली सोचना है। आप देखो यहाँ पे क्या कवर है, एकदम आराम से प्यार से सोचना। पहले ए ने कवर किया, यहाँ इस पॉइंट पे मिला ए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 500 मीटर की, ठीक है। पता नहीं, पता नहीं बी की डिस्टेंस क्या है। सेकेंड टाइम दिखा रहा है कि ए ने जब बी का पॉइंट कवर किया, और फिर जब बी के पॉइंट से कवर करके जब वो रिटर्न आया, ठीक है, रिटर्न आया और सेकेंड पॉइंट पे जब वो मिले, तो उस टाइम इसकी दूरी कितनी थी, बी के पॉइंट से इसकी दूरी कितनी थी, 200 मीटर, ठीक है, उस टाइम इसकी बीच की दूरी थी 200 मीटर्स, ठीक है। मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं कि बी की डिस्टेंस की दूरी क्या है, ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हो। नॉर्मली क्या लिखूंगा, अभी मैं बताऊंगा कि ये कैसे लिखा मैंने, ये इस, ठीक है, मैं ये बताऊंगा कि हमने ऐसा ही लिखा क्यों है, ठीक है, ठीक है। पहला स्पीड है, पहला स्पीड है, ठीक है, पहला स्पीड जो है वो ए की है, दूसरी स्पीड जो है वो बी की है, इतना समझ पा रहे हो, ठीक है। स्क्वल टू ए ने कितना कवर करा है, 500, ठीक है, कौन से साइड में, बी के साइड में, ए ने कवर करा है 500 बी के साइड में, ठीक है, बी के साइड में कवर करा है, याद रखना बी के साइड में कवर करा है। अगर बी ए के साइड में कवर करा रहा था ना, तो उस टाइम बी की डिस्टेंस होती तो वो नीचे आता, ठीक है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस मुझे पता नहीं, ठीक है, टोटल डिस्टेंस मुझे पता नहीं, लेकिन ए ने जितना कवर करा है उसको मैं माइनस करूंगा। ध्यान से देखो, एक बार फिर से सुनो, ये ए की है, ये बी की स्पीड है, स्पीड ए और स्पीड बी, ठीक है। ए ने कवर करा है बी के साइड में 500, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस का बी ने, जब ए ने 500 कवर कर लिया, तो टोटल डिस्टेंस का बी ने क्या क्या रहा होगा, कि जितना ए ने माइनस, जितना ए ने कवर करा होगा उतना तो टोटल डिस्टेंस से माइनस हुआ होगा, तभी ने ना, तभी तो बी वाला जो है वो डिस्टेंस पूरा कवर करा होगा। मतलब कहने का मतलब कि टोटल डिस्टेंस अगर 1000 है एक टाइम्स के लिए मान लो, तो ए ने जो है 500 उसने कवर कर रखा है, तो बी कितना कवर करेगा, अभी तो 500 करेगा ना, 1000 तो करेगा नहीं फिलहाल, बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, 5000 तो करेगा, 500 तो करेगा नहीं, आई मीन सॉरी 1000 तो करेगा नहीं, तो टोटल डिस्टेंस का 500 मैं माइनस करूंगा, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब चलो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो सेकेंड रूल में कह रहा है, सेकेंड देखना, ठीक है, ये केस हमारा वन हुआ, और देखो केस टू, सेकेंड वाला याद रखो, वो कह रहा है कि ए जो जा रहा है वो जा रहा है बी के पॉइंट पे, और फिर वहां से रिटर्न हो रहा है, ठीक है, हो रहा है रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ए और ये बी, ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो वो कवर कर ही रहा है, अब प्लस वो दो, जब वो रिटर्न हो रहा है तो 200 वो प्लस कर रहा है, क्योंकि वो रिटर्न हो रहा है। अगर वो सिर्फ यहां तक ही कवर किया रहता ना, तो माइनस होता, बात समझ रहे हो, तो माइनस होता, वो एक डिस्टेंस कवर करा फिर वो रिटर्न हुआ,
तो उसमें प्लस होगा। बात समझ रहे हो? आपको बात समझ में आएगी, अभी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर क्वेश्चन समझो कितना लॉजिकली ये करता है। ये क्वेश्चन कहीं भी जाके देख लेना, इसका लंबा सा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, फिर क्या हो रहा है कि बी ने कवर करा, तो मुझे तो बी का पता नहीं, बी का अभी पता नहीं। ठीक है, तो जैसा कि मैं ऊपर वाले में कह रहा कि पहले ए बी ऐसे जाएगा, फिर ऐसे गया होगा। ठीक है, बी ने ये पूरा कवर करा होगा तभी तो वो रिटर्न बी के पास पहुंचा होगा ना। तो ए ने तो ऑलरेडी 200 कर रखा है। ठीक है, तो वो तो माइनस होगा। बात आ रही समझ में? वो तो माइनस होगी। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ कि मैंने क्या बोला। सिंपली लॉजिकली सोचो कि ये पूरा डिस्टेंस मुझे पता नहीं, ये पूरा डिस्टेंस जो है मुझे पता नहीं। ठीक है, 500 इसने कवर करा है, बी का पता नहीं मुझे, तो बी जितना कवर किया होगा उसमें से ए का डिस्टेंस माइनस हो जाएगा। सेकेंड वाले में ए ने क्या करा है कि ए से बी की तरफ गया हुआ है, मुझे टोटल डिस्टेंस पता नहीं, और प्लस उसने 200 और कवर करा है क्योंकि वो रिटर्न हुआ है, तो डी प्लस 200। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि सेकेंड सिचुएशन में बी ने जो कवर कराया है तो टोटल डिस्टेंस मुझे पता नहीं। ठीक है, और ए का जो डिस्टेंस है वो माइनस हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? ए की जो डिस्टेंस है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे जो है अब इसको करना होगा कैलकुलेशन पे। कैसे होगा? 500 डी माइनस 500, ये और ये तो गया। ठीक है, इज कॉल टू डी प्लस 200। ठीक है, डी प्लस डी माइनस 200, यहाँ तो हो गया। बात आ रही है समझ में? यहाँ तक हो गया, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब इसके बाद क्या करोगे? सिंपल, जैसे नॉर्मल अपना जो सॉल्यूशन करते हैं वो सॉल्यूशन पे इसको कर दो। क्या हो जाएगा? 500D प्लस 500D, ये डी ये डी इससे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, और माइनस 1000। बात आ रही है समझ में? सॉरी 10000 होगा ना, 10000। यहाँ पे डी की वैल्यू निकल आएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी डी की वैल्यू? देख लो, देख लो, ये 1000D हो जाएगा, ये 10000 हो जाएगा। डी की वैल्यू निकाल लो, 10000 by 1000। यही जाएगा ना? देख रहे हो, डी की वैल्यू निकल जाएगी। डी की वैल्यू यहां तक निकल जाएगी, समझ रहे हो ना? डी की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद किसी भी क्या क्या सिचुएशन में इसको पुट कर लो और ओरिजिनल मेरा जो वैल्यू होगा वो मेरा निकल आएगा। बात आ रहा है समझ में? तो देखो ऐसा है ना कि अभी जो है ना ये क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ना ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। बस दो लाइन का सॉल्यूशन होगा, आपको बस सोचना होगा। अगर मैं बेसिक बताऊँ भी ना, अगर इस टाइप का अगर दो तीन क्वेश्चन आपको बता दूँ ना, इस टाइप का दो तीन क्वेश्चन आपको बता दूँ, तो आपको पूरा जो है ना होल सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या करा है। कुछ नहीं करा है मैंने, कुछ नहीं करा है। देखो एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, कुछ नहीं करा है मैंने, बस ये देखा है कि देखो यहाँ पे ये देखा है कि ए टू बी की जो टोटल डिस्टेंस है मुझे मालूम नहीं था। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 500 मीटर जो है ए ने जो है बी की साइड कवर करा है, और बी जो है ए की साइड पे जब आया तो एक ऐसे पॉइंट पे ये दोनों मिले हैं। ठीक है, एक ऐसे पॉइंट पे ये दोनों मिले हैं। ठीक है, लेकिन मुझे जो है बी की डिस्टेंस जो उसने कवर करा है, बी ने कितना डिस्टेंस कवर करा है वो मुझे पता नहीं। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में ये कह रहा है कि ए जो है बी के साइड में जाता है, ठीक है, इधर जाता है, और फिर क्या है वो इधर से जाके इधर रिटर्न हो जाता है। ठीक है, मतलब बी के साइड में जा रहा है, मतलब ऐसे समझ लो कि आपका ये घर है, ये आपका स्कूल है,
आप एक बार स्कूल के साइड में गए, ठीक है, और आपको मालूम लगा कि अरे भाई आज स्कूल बंद है, आप वहां से क्या हुआ, रिटर्न हो गए, ठीक है। तो पहले आपकी स्कूल की जो, आपके घर से स्कूल की जो डिस्टेंस थी वो 500 मीटर की ही थी, ठीक है। आप वहां से फिर रिटर्न हो गए, आप टोटली कवर किए 200 मीटर, ठीक है, यहां समझो 200 मीटर आप कवर करें। जब आप 200 मीटर कवर किए तब तक पता चला आपका एक फ्रेंड जो है, आपका जो फ्रेंड जो है वो इधर से आप ही की साइड से आ रहा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझो इधर से ही आ रहा है, तो आप दोनों एक पॉइंट पे मिले, ठीक है। तो आप 200 मीटर कवर किए हो तो आपका फ्रेंड यहाँ भी कितना कवर किया होगा, 300 मीटर कवर किया होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है 500 की है, बात आ रही है समझ में, टोटल डिस्टेंस जो है वो 500 की है। तो आपने अगर 200 कवर कर रखा है तो आपका फ्रेंड कितना होगा, 300 किया होगा, ठीक है। अब आपसे पूछे कि ए का टोटल बताओ कि एक ने कितना कवर किया है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है कि वो सेकेंड पॉइंट में, क्योंकि ये रिटर्न हुआ है, जाके रिटर्न हो रहा है, तो बताओ कि ए जो है वो अपने फ्रेंड से कितने डिस्टेंस पे उससे मिला है, तो कितने डिस्टेंस पे मिलेगा, 500 अब प्लस 2, क्योंकि 2 इसने किया, मैं जैसे बता रहा था यहाँ पे प्लस 2 होगा, टोटल डिस्टेंस मुझे पता नहीं, ठीक है। तो 700 के मीटर पे उसने अपने फ्रेंड से मिला होगा, बता रही है समझ में, 700 के मीटर पे डिस्टेंस उसने कवर करा होगा टोटल अपने स्कूल से, अपने होम से स्कूल और स्कूल से रिटर्निंग में, तो उसने 700 मीटर जो है उसने कवर करा होगा, बात को समझो, ठीक है। अगर यहाँ पे ये वाला सिचुएशन कवर करते कि ऐसा होता कि उसका जो फ्रेंड जो है, अगर उसका फ्रेंड क्या करता, उसके फ्रेंड का घर जो है ना वो यहाँ रहता, मतलब स्कूल के पास ही रहता, ठीक है। उसका फ्रेंड क्या करता कि उसका फ्रेंड जो देखता कि अरे भाई आज स्कूल बंद है, चल आज जो है ना अपने फ्रेंड के घर जाता हूँ और फ्रेंड के घर जाके उसको सरप्राइज देता हूँ कि अरे भाई आज स्कूल बंद है, चल आज चिल करते हैं, चिल करते हैं, ठीक है। उसने बोला कि चल आज चिल करते हैं, ठीक है। तो वो क्या किया कि वो इसके फ्रेंड से पहले वो स्कूल पहुँचा हुआ था, ठीक है, उसने देखा कि नोटिस मिला उसको कि आज स्कूल बंद है किसी इमरजेंसी पर्पज़ को लेके, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो रिटर्न हुआ, तुरंत पहुंचा वो किसी स्पीड में और अपने दोस्त के घर पे गया। दोस्त के घर पे गया तो पता चला कि उसकी मम्मी बोल रही कि अरे रोहन, मान लेते हैं नाम उसका है, रोहन जो है ना वो स्कूल के साइड में गया हुआ है, ठीक है, स्कूल के साइड में, रोहन जो है वो स्कूल के साइड में गया हुआ है, बात समझ रहे हो, स्कूल के साइड में गया हुआ है। तो रोहन के घर पे गया, वो रिटर्न हुआ यहाँ पे, ऐसा रिटर्न हुआ, समझ रहे हो, डायग्राम समझो कैसे बता रहा हूँ मैं, ऐसा डायग्राम समझो, सेम यही डायग्राम जा रहा है, यही वाला डायग्राम जा रहा है, आप समझ रहे हो, यही डायग्राम जा रहा है, ठीक है, तो समझ लो, उसके बाद क्लियर करते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रोहन के घर पे वो गया, मतलब स्कूल वो पहले पहुंच गया था, मतलब उसका नाम श्याम था, ठीक है, श्याम था, ऐसे समझो, क्लियर करके एक बार इसको समझाता हूँ फिर बेसिक समझूंगा, ठीक है, मजा आएगा आपको, ध्यान से देखना ये कैसे हो रहा है, एकदम बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ नहीं करना है, बस लॉजिकली आपको सोचना है, कोई फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन है ना अकेडमी में बहुत आते हैं, तो ये इस बात का ध्यान रखना। जैसे मान लो यहाँ पे है होम, ठीक है, रोहन की, ठीक है, ये स्कूल है, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर की है, ठीक है, 500 मीटर की है, ठीक है। क्या हुआ कि रोहन जो है स्कूल गया, ठीक है, स्कूल गया वो, रोहन स्कूल गया, ठीक है, ठीक है, और पता चला कि स्कूल जो है वो आज क्लोज है किसी इमरजेंसी पर्पस को लेके, वो स्कूल गया, फिर वो रिटर्न क्या हुआ कि स्कूल से वो रिटर्न हो रहा था, वो स्कूल से ऐसे रिटर्न हो रहा था, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, तो उसने 200 मीटर जो है रिटर्निंग कवर कर रखा था स्कूल से होम के साइड में, ठीक है, स्कूल से होम के साइड का उसने क्या किया, 200 मीटर जो है रिटर्निंग कवर किया, ठीक है। तब तक क्या हुआ कि उसको है ना इस वाले पॉइंट पे उसको है ना यहाँ से श्याम दिखा, श्याम जो है इधर से आ रहा था श्याम, ये श्याम है, ठीक है, वो आ रहा था यहाँ पे उसको दिखा। तो जब रोहन ने टोटल डिस्टेंस का 200 यहाँ पे कवर किया तो श्याम ने कितना कवर किया होगा, 300 मीटर, ठीक है, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब क्या हुआ
कि श्याम जो है वो पहले ही स्कूल जा चुका था। रोहन को स्कूल जाने से पहले जो है ना श्याम, ठीक है ना, बिफोर रोहन उसने जो है स्कूल गया और श्याम को उसी टाइम पता चल गया कि स्कूल जो है बंद है। तो इससे पहले कि रोहन स्कूल है, श्याम ने अपनी दोस्ती निभाई और उसने सोचा कि मैं जाता हूँ रोहन के घर, ठीक है, मैं रोहन के घर जाता हूँ और उसको बोलता हूँ कि भाई आज स्कूल बंद है, चल अपन करेंगे चल, ठीक है। तो वो जब उसके घर गया, रोहन के घर गया, ठीक है, रोहन के घर गया तो रोहन की मम्मी बोली कि अरे बाबू रोहन जो है ना वो स्कूल जा चुका है, ठीक है। उसने बोला कि अरे यार ये क्या हो गया, चलो ठीक है कोई नहीं, मैं उसी रास्ते से जाता हूँ जिस रास्ते से रोहन स्कूल जाते हैं, मैं रोहन को रास्ते में मिलके उसको बता दूंगा कि आज स्कूल बंद है, बंद गया है, रोहन को तो ऑलरेडी पता चल गया, तो उधर से ही हम लोग चिल करने निकल लेंगे, ठीक है। तो वो गया, वो रोहन के घर से फिर रिटर्न हो गया स्कूल के साइड से, पहले वो स्कूल था, स्कूल के साइड से निकला और फिर वो है ना रिटर्न हो गया उसके साइड से, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में मुझे ये बताओ कि रोहन ने कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया जब इस पॉइंट पर जो है ये दोनों मिले, और श्याम ने कितना डिस्टेंस कवर किया जब वो इस पॉइंट पे ये दोनों मिले। दिमाग लगा पा रहे हो, कुछ करना है। टोटल डिस्टेंस मुझे पता है 500 तो उसने पहले फुल कवर किया है स्कूल टू होम, अब प्लस उसने 200 मीटर मतलब 200 मीटर पे उसने यहाँ पे मिला है, तो ये कितना हो जाएगा, 700 मीटर उसने कवर किया टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट पे मिलने के लिए, ठीक है। श्याम ने क्या करा है, श्याम ने पहले 500 किया है, नीचे वाले पॉइंट पे देखो भाई, स्कूल से रोहन का होम का डिस्टेंस तो ठीक है ना, वही ना डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है, वही डिस्टेंस है, डिस्टेंस वही है, समझ रहे हो ना, डिस्टेंस तो डिस्टेंस वही है। तो वो कह रहा है कि अब श्याम ने 500 कवर करा, ठीक है, अब प्लस जब वो यहाँ पे मिला है, जब इससे मिला है तो श्याम ने कितना कवर किया, 300। तो श्याम ने टोटल कितना कवर किया है उस पॉइंट पे मिलने के लिए, 800 मीटर। बात आ रहा है समझ में, बात आ रही है समझ में, क्या समझाना चाह रहा था। अब तुम एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले पॉइंट को मिस कर दूं, अगर मैं पूछूं ये वाले पॉइंट को मैं हटा दूं, ठीक है, ये वाले पॉइंट को मैं हटा दूं, ठीक है, और सिर्फ ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे यार। जब इसने 300 कवर करा है तो इसने 200 ही ना करा होगा, समझ में आ रही है बात को। ऐसा ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा उसका जो है ना लैंग्वेज चेंज था, थोड़ा सा लॉजिकली उसको जो है ना हाई लेवल पे ले गया गया था, उसमें 200 उसने कवर करा था, ये वाला नहीं दिया हुआ था, उसने कितना कवर किया नहीं दिया हुआ था, टोटल डिस्टेंस पता नहीं था मुझे। तो इसमें ये भी तो कह सकते हैं ना कि रोहन जो है 500 की जगह यहाँ पे 300 उसने कवर करा, ठीक है, आप जो है इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब जो है श्याम जो है इसने 300 कवर किया, मुझे टोटल डिस्टेंस पता नहीं, 300 इसने कवर किया, श्याम ने कितना कवर किया पता नहीं मुझे, ठीक है, श्याम ने क्या डिस्टेंस कवर किया पता नहीं मुझे, ये 300 किया, यहां से यहां की बीच की दूरी 200 है, टोटल डिस्टेंस बताओ इसने 300 किया, इसने टोटल डिस्टेंस 500 हो जाएगा, बता रही है समझ में, यही है आपको डिस्टेंस टाइम स्पीड यही पढ़ना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, कुछ लिफ्ट वाले आएंगे, कुछ सर्कल वाले आएंगे, ठीक है, लेकिन लॉजिकली आपको है ना दिमाग से जो है ना यही सब सोचना है कि आपको करना है क्या है वाकई में, ठीक है, आपको दिमाग से यही सोचना है। चलो तो अभी टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, अभी जो है ना चलो अब हम लोग बेसिक पहले पढ़ लेते हैं, आपको इतना समझा दिया, ठीक है, कुछ समझ में आया होगा कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी जो है हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, तो अभी चलो करते हैं ऐसा। देखो तो जैसा कि सबको पता है टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसा कि मैं कह रहा हूं, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है
स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, इस बात को नोटिस कर लो, नोट डाउन कर लो, स्पीड इज कॉल्ड टू, डिस्टेंस इज कॉल्ड टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। एक चीज देखो, स्पीड इज कॉल्ड टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, बात आ रही है समझ में, स्पीड इज कॉल्ड टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। आपको ये तो पता होगा, 1 किलोमीटर इज कॉल टू 1 आवर मीटर, 1 आवर इज कॉल टू हाउ मच मिनट्स, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है, बात आ रही है समझ में, और समझो। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो टाइम कांस्टेंट पे रहेगा, ठीक है, जैसे जैसे कि मैं ये बोला, टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, तो स्पीड इनटू डिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर मुझे टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम निकालना है तो स्पीड इनटू डिस्टेंस होगा, मतलब टाइम कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो, कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि टाइम कांस्टेंट है, इट्स मीन कि मतलब टाइम में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, टाइम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, टाइम जितना है उतना ही है, ठीक है। स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब टाइम अगर 20 मिनट है, 20 मिनट है, ठीक है, मतलब वो 20 मिनट ही रहेगा। अब स्पीड मुझे पता नहीं कि अब स्पीड कितना है, स्पीड बढ़ेगा डिस्टेंस घटेगा, समझ रहे हो, बात आ रही है समझ में। मतलब कहने का मतलब कि अगर स्पीड अगर तुम बढ़ाओगे, ठीक है, तो जो चीज को मतलब अगर कहने का मतलब कि स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, आई एम सो सॉरी मतलब गलत बोला मैं, स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब कहने का मतलब कि अगर तुम 30 की स्पीड पे तुम जा रहे हो, मैंने उल्टा बोला सॉरी, 30 की स्पीड पे जा रहे हो तुम, ठीक है, 20 मिनट में तुम 30 की स्पीड पे जा रहे हो, ठीक है, तो 20 मिनट में आप 30 की स्पीड पे आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो 20 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन आपका जो स्पीड जो है वो आपने इंक्रीज करा, आपने क्या करा कि 30 से बढ़ा के उसको 50 कर दिया, मतलब 30 से बढ़ा के आपने जो है, मतलब आप जो है 30 की स्पीड से आ रहे थे, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे थे, तो आपने डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर का, ठीक है, लेकिन आपने 20 मिनट में का ही बात हो रहा है, आपने जो है, एक बात बता रहा हूँ, ऐसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने अगर स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करा, आपने 50 किलोमीटर पर आवर करा, तो आप उस डिस्टेंस को जो है ना, ठीक है, आप कवर कर रहे हो कितना, 50 किलोमीटर, बात आ रही है समझ में, बात आ रही है समझ में, तो वही है, ठीक है, स्पीड बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगा, स्पीड घटेगा डिस्टेंस घटेगा, ठीक है। तो ये बात कर रहा था मैं, टाइम कांस्टेंट रहेगा तो मतलब टाइम वही रहेगा, बस आपको स्पीड इंक्रीज एंड डिक्रीज करनी है, डिस्टेंस ऑटोमेटिक इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा, ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा तो स्पीड जो है ऑटोमेटिक इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा, बात आ रहा है समझ में, ये टाइम कांस्टेंट की बात है, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसमें कहूं कि अगर मैं डिस्टेंस कांस्टेंट की बात करूं, ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट की बात करूं, ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट की बात करूं, डिस्टेंस कांस्टेंट में क्या होता है, इसमें होता है स्पीड 1 बाय स्पीड 2 इज कॉल टू टाइम 2 बाय टाइम 1, बात आ रही है समझ में,
जैसा कि मैं उस वाले लास्ट क्वेश्चन जो आपको समझा रहा था उस वाले मैंने यही वाला ही यूज कर रहा था मैंने। अगर आप भूले नहीं होगे तो आपने ये देखा होगा कि मैंने ये ऐसा कुछ करके उसमें यूज करा था। ये आपको याद नहीं करना है, ये आपके याद करने वाली चीज नहीं है। आपको जो है ना एक चीज मैं बता रहा हूँ क्या होता है, आपको बस जानना है, ये जानने वाली बात है। ये फॉर्मूला नहीं है, ये स्पीड 1-2 है। मतलब अगर मैं स्पीड 1-2 नहीं करूं, अगर मैं इसको ए एंड बी कर लूं, ठीक है ठीक है, और टी ए और टी बी कर लूं, टी बी और टी ए कर लूं, तो ये बस आपको जानना है और कुछ नहीं है। बात आ रही है समझ में? तो ये सब मैं अभी बेसिक आपको समझा रहा हूं कि क्या होता है। तो ये चीज आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए कि टाइम कॉन्स्टेंट रहता है तो स्पीड जो है बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है, और स्पीड घटेगा तो डिस्टेंस भी घटेगा, ठीक है। डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो आप इसको जो है आपको H1 H2 इज इक्वल टू T2 बाई T1 के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। मतलब डिस्टेंस टू कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस जितना है उतना है, मतलब कहने का मतलब कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो कहने का मतलब कि आप जो है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हो तो आपको डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब जो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रहे हो तो आपको उस डिस्टेंस को कवर करने में आपको लग रहा है 4 आवर्स, ठीक है। अगर आप जो है 100 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हो, ठीक है, तो उसी चीज को आपको कवर करने में लग रहा है 1 आवर। बात आ रही है समझ? डिस्टेंस कांस्टेंट है मतलब डिस्टेंस पहले भी 300 ही था, अब भी 300 है, ठीक है। यहाँ पे टाइम पहले भी 2 मिनट्स था, अभी भी 2 मिनट्स है, बस आपका चेंज हो रहा है तो इसमें हो रहा है, तो इसी का मतलब होता है कांस्टेंट। मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपके स्पीड और टाइम चेंज होंगे, अगर आपके टाइम कांस्टेंट है तो आपका स्पीड और डिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है। अगर आपका स्पीड कांस्टेंट है मतलब आप 20 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे हो तो आपके टाइम और डिस्टेंस में चेंज आएगा। बात आ रही है समझे? स्पेस स्पीड वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते कांस्टेंट पे, कि वो थोड़ी अलग होती है क्वेश्चन उस टाइप की। तो जैसा कि स्पीड अगर कांस्टेंट रहेगा तो आपका टाइम और जो है आपका टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको होंगे, करने होंगे, ठीक है। बहुत जो है आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग की जो है आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना होगा, आपको करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। बिना समझे आप जो है इसका कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो। तो पहले कि आप ये कॉन्सेप्ट भूलो, मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल और डिस्टेंस ऑफ 720 किलोमीटर्स इन 8 आवर, ठीक है। ट्रेन जो है, ठीक है, वो 720 किलोमीटर को जो है ना कवर कर रहा है कितने में, 8 आवर्स में। तो स्पीड मुझे बस बताना है कि उसका व्हाट स्पीड डिड इट ट्रेवल एट, ठीक है। कैसे निकालोगे? कोई क्वेश्चन इसमें समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन को कैसे निकालोगे? 720 किलोमीटर उसने कितना कवर किया, 8 आवर्स में। स्पीड निकाल लोगे? निकाल लोगे ना? तो स्पीड इज इक्वल टू, बताया था, डिस्टेंस बाई टाइम। क्या होगा? 720 बाई 100 निकाल लो। यही है स्पीड। आ रही है बात समझ में? बताया था ये फॉर्मूला, ऊपर देखो। के वाली यही किए थे ना? तो ये था हमारा एक क्वेश्चन, एक नॉर्मल है। अब ऐसा समझो, आप एक क्वेश्चन मैं ऐसे दे रहा हूं कि ऐसे मान लो कि अगर स्पीड जो है स्पीड दे रखा है 12 किलोमीटर पर आवर,
पर आवर, ठीक है, टोटल उसने डिस्टेंस, उसका जो टाइम है, टाइम उसमें दे रखा है 8 आवर्स, तो मुझे बताओ डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, खुद से एक बार ट्राई करो, उसके बाद आप वीडियो देखो, ठीक है। डिस्टेंस मुझे पूछा है, डिस्टेंस निकालना है मुझे, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला क्या यूज करना है आपको, नॉर्मली आपको देखना है, ये डिस्टेंस है, यही होगा ना, 96 किलोमीटर उसने कवर करा, 96 किलोमीटर उसने कवर करा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, आप खुद से करते रहो, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अब उसमें ज्वाइन हो जाओ, लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से ग्रुप हो जाओ, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिलेगा, न्यू अपडेट मिलेंगे आपको, क्वेश्चंस पीडीएफ मिलेंगे, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस पीडीएफ जो है ना उसको आप डाउनलोड करके वहाँ से खुद से सॉल्यूशन जो है बनाना शुरू कर दो। या फिर आप चाहो तो आप जो है ना, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, IMS का जो है आप क्वेश्चन जो है वो आप जो है ना, वो IMS का जो बुकलेट होता है, ठीक है, ठीक है, वो सॉल्व करना शुरू करो IMS का, ठीक है, IMS का आप बुकलेट लेके आप सॉल्व करना शुरू करो, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, या फिर ग्रुप में मैं जो है आपको मिल जाएगा, हमारे एडमिन आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये हुआ, उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अभी फिलहाल समझ में आया होगा। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले कि जैसे मैं बताया कि आपको KMAT के बारे में बताऊँगा, तो बहुतों का क्वेश्चन रहता है कि KMAT वाकई में है क्या, ये किस टाइप का एग्जामिनेशन है, क्या है, ठीक है। तो अभी जो है मैं KMAT के बारे में बताऊं, तो KMAT 2022 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। KMAT जो है ये कर्नाटक मैनेजमेंट बोर्ड का, ये है कर्नाटक बोर्ड का है, ठीक है, जो मैनेजमेंट कॉलेजेस के लिए जो है तो एग्जाम लेता है, कर्नाटक का ये, ठीक है, ये उसकी है। टोटल जो है इसमें जो कॉलेजेस, मतलब जो KMAT, जो टोटल इंडिया में जो कॉलेजेस MBA के लिए एक्सेप्ट करते हैं KMAT के थ्रू, वो टोटल 200 कॉलेजेस हैं जो KMAT एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, 200 कॉलेजेस हैं, ठीक है। इसमें सिलेबस आपका कुछ नहीं होता है, स्नैप लेवल वाले सिलेबस होते हैं, जिसमें आपको जो है VARC होगा, ठीक है, VARC होगा, क्वांट होगा, ठीक है, और LRDI होगा, लेकिन इनका जो लेवल है वो बहुत ही डाउन रहता है, मतलब लेके चलो कि इनका जो लेवल जो होता है CMAT की तरह होता है, ठीक है, CAT से ये बहुत दूर है, तो डोंट कंपेयर विथ CAT, ठीक है, तो CAT से ये बहुत दूर होते हैं। टोटल 120 मार्क्स के होते हैं, 120 मार्क्स के होंगे, ठीक है। आई थिंक जो फॉर्म जो है वो अभी फिल होना शुरू हो गया है, मतलब फॉर्म जो है वो आई थिंक 20 जून फर्स्ट वीक से शुरू है, ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड वीक से जो है स्टार्ट है, ठीक है, और ये अगस्त तक जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो फॉर्म इसका शुरू हो गया है जून 2022 टू अगस्त 2022 तक इसका फॉर्म जाएगा, ठीक है। फी जो है, फॉर्म फी जो है वो आई थिंक 800 के अप्रॉक्स है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है KMAT के बारे में, तो इस पे आप थोड़ा ध्यान देना, ऐसे कॉलेजेस इसके भी अच्छे अच्छे रहते हैं, प्लेसमेंट अच्छे रहते हैं, फी कम होते हैं, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जो है कुछ खराब प्लेसमेंट नहीं है इसके थ्रू, कर्नाटक में बैंगलोर में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो हैं इसके थ्रू मिल जाते हैं।
तो जो इंटरेस्टेड है वो फॉर्म डाल सकते हो, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो नहीं डालो, क्योंकि इसका एक चीज़ है, इसका लेवल जो है एग्जामिनेशन लेवल जो है बहुत डाउन, ये डाउन लेवल होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, वो भी होम बेस, मतलब आप घर पे रह के आप एग्ज़ाम दे सकते हो। बात आ रही है समझ में? घर पे रह के आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये थी के मैट के बारे में थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर डिटेल में कुछ चाहिए तो आपको मैं लिंक ग्रुप में दे दूंगा, आप ग्रुप में जाके वहाँ से सर्च कर लेना, या फिर गूगल बाबा जो हैं उनसे आप पूछ लेना, ठीक है। तो अभी जो है के मैट वाले जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन हो रहे हैं, जो के मैट वाले हैं, जो के मैट के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है कि हमारा जो है के मैट के लिए एक स्पेशल जो है टॉप 20 क्वेश्चंस जो है क्वांट के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस वो अरेंज होने वाले हैं, ठीक है। बाकी आप जो है क्लास देखते रहो, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बस थोड़ा जो हम लोग कैट लेवल का जो क्वेश्चन करते हैं उससे थोड़ा सा डाउन रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप का आते रहेगा। चलो तो आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं TST में। तो उम्मीद करता हूँ वो सब चीज़ आपको समझ में आया होगा। अभी आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो वो चीज बता दिया, आगे एक क्वेश्चन करते हैं। देखो ये दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है। थोड़ा ये क्वेश्चन खुद से पढ़ो और उसके बाद खुद से ट्राई करो, अगर पॉसिबल है तो हो जाए, नहीं है तो मैं तो हूँ ही, ठीक है, ट्राई करो खुद से। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर कार फिनिश अ जर्नी इन 10 आवर्स, ठीक है। फिर कह रहा है टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 8 आवर देन स्पीड मस्ट बी इंक्रीज बाई, स्पीड कितना इंक्रीज हुआ ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो, क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन बस ये बोल रहा है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले उसकी जो स्पीड थी, ठीक है, स्पीड जो थी उसकी वो 48 किलोमीटर पर आवर थी। उसने 10 आवर जो है उसने जर्नी जो है फिनिश किया, कितने में कार ने फिनिश किया, 10 आवर में। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस हमारा निकल आएगा, डिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है। क्या होगा डिस्टेंस निकालने के लिए, 48 × 10 डिस्टेंस 480 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि वही कार जो है वो सेम डिस्टेंस को उसने 8 आवर में कवर किया, ठीक है। पहले 10 आवर लगे थे, अब उसको जो है 8 आवर्स लगे, ठीक है। तो मुझे तो डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस पता है, ठीक है। अब मुझे स्पीड निकालनी है, समझ रहे हो, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड निकालनी है मुझे, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा, 480 बाई 8 आ रही है। वो दोनों फॉर्मूला का यूज हो रहा है, ऊपर जो मैंने बताया था वो दोनों कॉन्सेप्ट जो है यहाँ यूज हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में। बात समझ रहे हो, बात आ रही है समझ में, ठीक है। इसीलिए वो जरूरी था बताना। अब निकल आएगा, अब जो उसकी जो न्यू स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर न्यू स्पीड है उसकी, ठीक है। न्यू स्पीड उसकी 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। पहले कितनी थी, 48, ओल्ड वाली कितनी थी, 48, ठीक है। और न्यू वाली कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर।
तो इंक्रीज कितना होगा, स्पीड में इंक्रीज कितना हुआ है, यही ना हमारा आंसर होगा। देख रहे हो क्वेश्चन को, बात आ रही है समझ में? क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोला था एक बार फिर से समझ लो, अगर जिनको समझ में नहीं आया। देखो इस टाइप के है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है ना आपको मैट में, के मैट में आएंगे, ठीक है, सी मैट में, सी मैट में, सी मैट में, के मैट में, कभी कभी स्नैप में भी इस टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं, तो समझो उस टाइप के ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये कह रहा था कि पहले उसकी स्पीड थी 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 घंटे में उसने कवर करा, फिर उसने स्पीड अपने कुछ स्पीड बढ़ाया होगा, तभी तो उसने 8 घंटे में उसको कवर किया होगा उस डिस्टेंस को। तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस जो है ना कांस्टेंट है, चेंज हमारा स्पीड और टाइम में हो रहा है, तो ये हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट वाले क्वेश्चन से, बात आ रही है समझ में? अब समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस कांस्टेंट वाला मैंने क्यों बताया और टाइम कांस्टेंट क्यों बताया? उस टाइप के भी टाइम कांस्टेंट वाले भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे, वो भी हम करेंगे। तो ये चीज़ को ध्यान रखो कि डिस्टेंस और टाइम वाले में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पहले उसका जो था स्पीड था 48 किलोमीटर, 10 घंटे में कवर करा, टोटल मैंने डिस्टेंस निकल आया, ठीक है, देख रहे हो। और फिर जो है डिस्टेंस निकलने के बाद वो पूछ रहा, उसने बोला कि 8 किलोमीटर के रफ्तो, मतलब 8 किलोमीटर में उसने जो है टोटल डिस्टेंस को कवर करा, ठीक है, हमारा स्पीड आ गया, ओल्ड वाला 48 था, न्यू वाला 60 था, दोनों के बीच का कितना है 12 किलोमीटर, इंक्रीज पूछ रहा है, द स्पीड मस्ट बी इंक्रीज बाई, कितने से हुआ इंक्रीज, जो क्वेश्चन पूछे वही करो और कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, हमारे लिखा लाया। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि इसको रहने देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, मजा आएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है, अब जो है स्पीड अपन कर देते हैं, स्पीड जो है वो कर देते हैं अपन कितना, 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कवर कितने में किया है, कवर तो जर्नी उसने फिनिश किया है वो कितने में, 10 किलोमीटर से हटा के इसको कर दो आप 9 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। अब उसी जर्नी को उसने क्या करा है, 7 किलोमीटर के 7 आवर में उसने कंप्लीट करा है, ठीक है। तो अब स्पीड में कितना इंक्रीज हुआ है वो बताना है, निकाल लोगे, निकाल लोगे, 35 × 9 जो आएगा, फिर उसका डिस्टेंस निकाल लेना, ये हम आपके होमवर्क ही करके आना, ठीक है, ये वाला न्यू क्वेश्चन है, इसको कर लियो, समझ रहे हो, आप निकाल लोगे, ठीक है। टाइम वाले भी ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे अपन, टाइम वाला भी एक क्वेश्चन आपको बता ही देता हूँ, देखो टाइम अगर कॉन्स्टेंट हो, ठीक है, टाइम अगर कॉन्स्टेंट हो, देखो कह रहा है एक क्वेश्चन ऐसे, नॉर्मली टाइम कॉन्स्टेंट है तो उस पर एक क्वेश्चन ऐसे है, टाइम कॉन्स्टेंट वाले एक क्वेश्चन है, मतलब तो किसी बंदे के पास टोटल टाइम जो है वो 1 आवर की है, ठीक है, ठीक है, 1 आवर की है, स्पीड जो है वो है, स्पीड जो है वो है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस बताओ मुझे,
ठीक है, डिस्टेंस बताओ, सिंपल है कुछ है, डिस्टेंस पता चल जाएगा। 40 अरे एक घंटा में स्पीड जो है उसका 40 किलोमीटर है, एक घंटे में उसने कवर करा है तो डिस्टेंस हमारा 40 ही होगा ना, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा चेंज करते हैं, टाइम जो है वो लग रहा है कितना, ठीक है, टाइम जो है वो लग रहा है कितना, 5 आवर, ठीक है, 5 आवर टाइम लग रहा है, ठीक है। स्पीड मुझे पता नहीं, डिस्टेंस जो है वो 500 है, तो स्पीड निकाल लोगे, स्पीड निकाल लोगे 500/5 कितना होगा, 100 किलोमीटर पर आवर, बात समझ रहे हो, 100 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अब मेरा स्पीड जो है यहां पे 100 किलोमीटर पर आवर के, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर जो है हमारा स्पीड है, टाइम जो है 5 आवर्स की है। अब जो है मेरा टाइम अभी भी 5 आवर्स है, लेकिन जो है हमारा स्पीड जो है, स्पीड जो है मैंने चेंज किया, स्पीड इसको कर दिया 120 से। अब बताओ मेरा डिस्टेंस क्या होगा, समझ रहे हो, टाइम कॉन्स्टेंट है, द टाइम मेरा 5 ही आवर्स है, स्पीड मेरा बढ़ गया 120 है, तो डिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा, 120 इंटू 5 कर लोगे, समझ रहे हो, यही करोगे ना, और ये 600 हो गया, बात समझ में आ रही है, ठीक है। स्पीड बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, स्पीड घटेगा, डिस्टेंस घटेगा। अगर इसको मैं 80 कर लूँ, टाइम वही लगे, तो क्या होगा यहाँ पे, 80 × 5 400, तो यहाँ पे 400 हो जाएगा, बात आ रही है समझ में, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप अभी फिलहाल जो है इस क्लास के बाद आप करना शुरू करो, ठीक है, बात आ रही है समझ में। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेनिफिट वाले ये क्वेश्चन है, ये कैट लेवल ही क्वेश्चन है, कैट का ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचो, और सोचो कि इस वाले क्वेश्चन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो नॉर्मली जैसे मैं बताया कि आपको जो है ना लॉजिकली सोचना है, और डायग्राम बनाना आपको बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि डायग्राम जो है ना टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। विदाउट डायग्राम जो है ना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये मैं बता रहा हूँ। तो आपको डायग्राम जो है ना सही ढंग से, सही तरीके से बनाओगे, तो आपका 50% से 60% क्वेश्चन जो है उसी टाइम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सोचना है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और सोचो कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। तो कह रहा है, अ ट्रेन मेट विथ अ एक्सीडेंट 200 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन ए, ठीक है, ठीक है, जैसे ये डिस्टेंस है यहां से, ये ए है, ठीक है, 200 किलोमीटर उसने कवर करा था, 200 किलोमीटर उसने कवर करा था, तो यहाँ पे एक्सीडेंट वाला जो है वो पर्सन आ गया, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको, बस एक एक लाइन पढ़ के उसके डायग्राम बनाते जाना है, ये नहीं कि यहाँ एक बार पढ़ लिए फिर पढ़ रहे हैं, वैसे नहीं, ठीक है। इट कंप्लीटेड द रिमेनिंग जर्नी एट 4/5 ऑफ द प्रीवियस स्पीड एंड रीच 60 मिनट लेट एट द स्टेशन बी, ठीक है। तो उसने जो है यहाँ से जो है स्पीड अपना डाउन करा, ठीक है, और ये स्टेशन बी है, ठीक है, और उसने क्या किया है कि रिमेनिंग जर्नी को उसने रिड्यूस करा है, ठीक है, ठीक है, प्रीवियस स्पीड से, ठीक है, समझ रहे हो। और वो लेट कितना पहुँचा है, 60 मिनट लेट पहुँचा है, ठीक है। हैड द एक्सीडेंट टेक अ प्लेस, ठीक है, प्लेस टेकन प्लेस 30 किलोमीटर
पैदा, ठीक है, 30 किलोमीटर पैदा। इस लाइन को हमेशा ध्यान में रखना, कहना क्या चाह रहा है, इट वुड हैव बीन ओनली 50 मिनट ले, ठीक है। मतलब अगर जो ट्रेन जो है अगर यहाँ पे हुआ रहता 30 किलोमीटर बिफोर, ठीक है, यहाँ पे हुआ रहता, ठीक, तो अगर यहाँ भी हुआ रहता है, ऐसे दूसरे डायग्राम में बना लो, यहाँ यहाँ हुआ रहता, मतलब 170 किलोमीटर उसने कवर करा रहता, ठीक है, तो वो जो है ना कितना मिनट लेट पहुँचता, 50 मिनट लेट, ठीक है। स्पीड वो वही था, 5 के स्पीड से जा रहा था, 4/5 से स्पीड रिड्यूस हुआ। तो कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन ए एंड बी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, समझ रहे हो। 50% जो है ना आपका जो है ना क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। एक चीज ध्यान रखो, कितना हुआ, कह रहा है 10 मिनट का यहां पे ये हो रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 10 मिनट्स का, 10 मिनट्स का डिफरेंस हो रहा है, तो उसका घट कितना रहा है, 30 किलोमीटर। बात समझ रहे हो, 10 मिनट्स का डिफरेंस हो रहा है तो उसका घट कितना रहा है, 30 किलोमीटर, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, यहां पे लेट भी पहुंचे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। डायग्राम हमारा बन गया, क्वेश्चन को समझो, कह रहा है क्या ट्रेन ए से स्टार्ट हुआ है, 200 किलोमीटर की दूरी पे गया है, ठीक है, तब तक वहां पे क्या हुआ है, 200 किलोमीटर अभी कवर ही किया, तो उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ट्रेन का नहीं, मतलब कोई अदर एक्सीडेंट हुआ है, आई थिंक ट्रेन का ही हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उसने अपना स्पीड जो है वो रिड्यूस कर दिया है, पहले वो 5 की स्पीड से चल रहा था, अब वो जो है 4/5 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, अपने नॉर्मल स्पीड से कम हो गया, और उसी स्पीड से जो है ना ट्रेन जो है ना बी स्टेशन पे पहुंच रहा है, और वो है ना 60 मिनट जो है, मतलब 1 घंटा जो है वो लेट कर गया, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन ऐसा कह रहा है कि अगर 30 किलोमीटर पहले जो है अगर वो एक्सीडेंट हुआ रहता, तो ट्रेन जो है ना वो 50 मिनट ही लेट होता। समझ पा रहे हो ये क्वेश्चन को, डायग्राम बनाना सीख लो, क्वेश्चन आपका 50 से 60 वहीं सॉल्व हो जाएगा। समझ पा रहे हो। तो अब पूछ रहा है कि भाई बताओ कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन ए एंड बी, ठीक है, इतना आपको हिंट्स दे दिया, खुद से ट्राई करो, नहीं बनेगा कल वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो है TSD का, उसमें इसका जो है सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद मात्र 2 लाइन का सॉल्यूशन है, 2 स्टेप है बस, 1 और 2, बस 2 स्टेप, कुछ नहीं है, समझो। मैंने यहां भी हिंट दे दिया, हिंट यहां भी दे दिया है कि 10 मिनट में उसने 30 किलोमीटर का उसका जो है रिड्यूस हो रहा है, मतलब 10 मिनट वहां पे बढ़ रहा है, ठीक है, तो 30 किलोमीटर जो है वो भी बढ़ रहा है, आता रही समझ में। तो इसको है खुद से सोचो समझो, पॉसिबल है तो बना लो, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन देख लेना। उम्मीद करूँगा कि आप क्लास के साथ बने रहेंगे, और कमेंट लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ करते रहो, थोड़ा सा रीच कम आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक रुक गए हो तो एक चीज़ जान लो, LRDI की क्लास करनी है, तो आपको हर क्लास में कम से कम आपको जो है कम से कम आपको जो है ना 100 लाइक चाहिए, ठीक है, मुझे 100 लाइक चाहिए। न्यू चैनल है, रीच बढ़ाओगे आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि हम तो रेगुलर है, ठीक है, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और इसको जो है सॉल्व करते हैं, भूलना नहीं ये चैप्टर, ये क्वेश्चन करना, ट्राई करना कम से कम 5-10 मिनट इस पर ट्राई करना, ठीक है, और बाकी वो जो भी कॉन्सेप्ट बताया उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, चलो बढ़िया।